सरकार द्वारा बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं कि जनता को हर सुविधा दी जाएगी, पर धरातल पर सब वायदे खोखले सिद्ध होते हैं। जब चुनाव आते हैं तो हर राजनीतिक दल लुभावने वायदे जनता के साथ करते हैं और जीत जाने के बाद जनता से सिर्फ दूरियां ही रहती हैं। तब जनता यही सोचती है कि हमारा नेता आएगा और हमारी समस्या सुनेगा, पर हर बार की तरह धरातल पर कुछ और ही होता है। जनता के अरमान धरे के धरे रह जाते हैं। नूरपुर में पिछले काफी दिनों से पानी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। क्या कारण है कि नूरपुर में पानी की किल्लत है? प्रशासन क्यों नहीं नगरवासियों को पानी की समस्या से निजात दिला पा रहा है? कब होगा लोगों की समस्या का हल? नूरपुर नगर के नगर परिषद के उप प्रधान यशपाल शोगा व नगरवासियों ने बताया कि पिछले 3 महीने से लगातार समस्या आ रही है कि एक दिन पानी आता है और 2 दिन पानी नहीं आता है। आज लगातार 3 दिन हो गए हैं पानी नहीं आया। नूरपुर के जेई से बात की तो उन्होंने कहा कि लाइनें टूटी हुई हैं। यशपाल शोगा ने कहा कि लाइनें ठीक करवाना जनता का काम नहीं है, ये विभाग का काम है। उन्होंने कहा कि विभाग इस मामले में कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही समस्या का समाधान नहीं किया गया तो लोगों को इकट्ठा कर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सिंचाई विभाग के SDO दिवेंद्र राणा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जो हमारी चक्की लाइन है वो पुरानी हो चुकी है और पाइप बार बार फट जाती है, जिससे पानी की समस्या आती है। जल्द से जल्द समाधान किया जा रहा है ताकि जनता को पानी की समस्या से निजात दिलाई जा सके। आज पाइप को ठीक किया जाएगा और कल से पानी को सुचारू रूप से शुरू कर दिया जाएगा। जिला हमीरपुर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला झगड़ियानी की छात्रा जापान एशिया की सकुरा योजना साइंस एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत 18 मई को जापान के लिए रवाना होगी। स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा श्रेय रांगड़ा बीते साल प्रदेश कुल शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा की टॉपर रही है। श्रेय रांगड़ा ने टॉप 10 सूची में 10वां स्थान हासिल किया था। वह वर्तमान में इसी स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ रही है। प्रधानाचार्य बलबीर सिंह ने बताया कि श्रेय रांगड़ा का चयन साइंस एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत जापान के लिए हुआ है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संचालित इस योजना में देश भर के 40 छात्रों का चयन हुआ है, जिसमें श्रेय रांगड़ा का नाम भी शामिल है। जापान जाने वाले ये मेधावी बच्चे वहाँ विज्ञान संस्थाओं समेत अन्य शिक्षण संस्थाओं का भ्रमण करेंगे और कई प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी हासिल करेंगे। बजरंग दल हिमाचल प्रदेश की ओर से मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने को पहली से 18 मई तक अभियान चलाया गया है। पहले स्नान फिर मतदान उसके बाद जलपान के नारे को लेकर बजरंग दल 19 मई को नए मतदाताओं के अलावा बुजुर्गों और दिव्यांगों को भी मतदान केंद्र तक पहुंचाने में मदद करेगा। बजरंग दल के प्रांत संयोजक तुषार डोगरा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के संगठनात्मक 24 जिलों और 117 प्रखंडों में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान मतदाताओं को जागरूक करने के लिए पत्र बांटे गए हैं। इसके अलावा कॉलेजों में नए मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया है। इसके अलावा धार्मिक संगठनों एवं निजी कार्यालयों में संगोष्ठियों का आयोजन भी किया गया है। इस अवसर पर बजरंग दल के घनश्याम ठाकुर, हरदीप सिंह व कुलविंदर सिंह भी मौजूद रहे।